नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सिक्स की स्टोरी टैरोस रिवॉर्ड, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टैरोस रिवॉर्ड एक काफ़ी लोकप्रिय जापानी कहानी है। इस कहानी का सबसे मेन किरदार है टैरो, जो कि अपने माता पिता की हर इच्छा को पूरी करना चाहता था। वह एक गरीब लड़का था जो लकड़ी काटकर अपने माता पिता का पेट भरता था। एक दिन बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, तो जो टैरो के पिताजी होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो वो टैरो से कहते हैं कि काश मुझे थोड़ी शेक मिल जाती तो मेरे दिल को ऊर्जा मिल जाती। तो टैरो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने पिता को शेक दे सके। तो टैरो इस बात से दुखी होकर ये फैसला करता है कि वो सवेरे जल्दी उठेगा और ज़्यादा कड़ी मेहनत करेगा ताकि उसे थोड़े पैसे मिल सके। अगले ही दिन टैरो सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। वह सोचता है कि आज वो बहुत मेहनत करेगा ताकि वो लकड़ी बेचकर अपने पिता के लिए शेक खरीद सके। तो वो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, तभी उसका गला जो होता है वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। तो वो अपना फिर से मन काम पर लगा देता है, वह लकड़ियाँ काटने लग जाता है। तभी उसे पास से झरने के बहने की आवाज़ आती है। टैरो को आश्चर्य होता है कि इतने दिनों में तो कोई झरना नहीं दिखा था, अचानक आज झरने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसे प्यास भी लगी थी, इसलिए वह आवाज़ का पीछा करते हुए पहाड़ी के पीछे पहुँच जाता है। वो देखता है कि एक छोटा सा झरना आवाज़ कर रहा है। वह हाथ में झरने का पानी लेता है और उसे पीने लगता है। तभी उसे आश्चर्य होता है कि ये पानी नहीं बल्कि शेक है। तो वो अपना घड़ा लेकर आता है और उसमें शेक को भर लेता है। फिर इस शेक को वो अपने घर लेकर जाता है और अपने पिता को पिलाता है। इस शेक को पीकर उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। इसके बाद टैरो के पिताजी अपने पड़ोस की ही एक महिला को ये शेक पिलाते हैं और उसे पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। उस महिला के द्वारा ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी टैरो के घर में आते हैं और उस शेक का सेवन करते हैं। इसके बाद अगले ही दिन टैरो जल्दी उठता है और झरने के पास जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसके जाने से पहले ही वहाँ सभी गाँव वाले पंक्तियों में खड़े हैं उस शेक का सेवन करने के लिए। इसके बाद गाँव के लोग उस झरने का पानी पीते हैं और जैसे ही उस पानी को पीते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि टैरो ने उन्हें मूर्ख बनाया है, क्योंकि वह शेक नहीं बल्कि सादा सा पानी था। तो वो लोग सोचते हैं कि हम इस बात का बदला टैरो से ज़रूर लेंगे। और ये सारे घटनाक्रम को टैरो एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। अब वह इंतज़ार कर रहा होता है कि ये गांव के लोग कब यहाँ से जाएंगे। इसके बाद गांव वालों के जाते ही टैरो उस झरने के पास जाता है और उस झरने के पानी को फिर से चखता है। तो उसे पता चलता है कि यह पानी नहीं बल्कि शेक है। तो वो सारी बात समझ जाता है कि भगवान सिर्फ उसे ही शेक देना चाहते हैं और किसी को नहीं। तो इस कहानी के बारे में वहाँ के राजा को भी पता चल जाता है कि किस तरह से टैरो ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। तो इसलिए राजा टैरो को 20 सोने के सिक्के इनाम के रूप में देता है, ताकि सभी लोग टैरो की तरह अपने माता पिता का सम्मान करें। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अब अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए तथा उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग हमारी भी इसी तरह से प्रशंसा करें और हमारी भी ख्याति दूर दूर तक फैल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।